नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे नए एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ये सिरका का वॉलनट स्टेन है, इसको लगाएं चौखट पे, इस तरह से लगाएं टॉप कोट जब भी आपको करना हो। इसमें पहले हमने सीलर का 2 कोट कम्प्लीट कर लिया है और 220 नंबर और 400 नंबर से इसकी बढ़िया से सैंडिंग कर लेना है। सैंडिंग करने के बाद इसमें फिर वॉलनट का स्टेन एक बार फिर से लगाना है और लगाते जाना है और उसको सूखे कपड़े से पोंछते जाना है। यदि आपको डार्क नहीं करना चौखट को या लकड़ी को, किसी भी लकड़ी को डार्क में नहीं लेना, लाइट रखना है, तो इसमें एनसी थिनर थोड़ा सा डाल ले और पतला कर ले स्टेन को। आपका स्टेन हल्का लगेगा, गाढ़ा नहीं लगेगा, तो आपकी लकड़ी किसी तरह की भी हो वो डार्क नहीं होगी, प्लाई हो लकड़ी हो वो ज्यादा डार्क में नहीं जाएगी, लाइट ही रहेगी। तो उसमें हल्का सा थिनर एनसी थिनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं डालकर। यदि आपको पूरा वॉलनट आपको करना है लकड़ी को, तो उसमें किसी भी तरह का थिनर फिर न मिक्स करें, आप डायरेक्ट ही अप्लाई कर दें, और लेकिन उसको कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछना आवश्यक है। यदि आप उसको साफ नहीं करेंगे तो दाग धब्बे आ जाएंगे, जहां पे भी आपकी गद्दी रुकती है लगाते वक्त वहां पे आपको निशान आ जाएंगे। इसलिए इसको लगाते जाना है और साफ साथ ही के साथ इसको साफ करते जाना बराबर से, आपका किसी तरह से चौखट के ऊपर निशान नहीं आना चाहिए। यदि निशान रह गया है तो उसको कपड़े से साफ कर ले। यदि आप उसको नहीं पोंछेंगे तो जब भी आप टॉप कोट डालेंगे, जब भी माल आपका सेट होगा सूखेगा, उसके बाद वो ज्वाइंट आपको नजर आएगा जो काम आपको ठीक नहीं होगा और वो खराब दिखेगा। इसलिए इसको पहले से ही ध्यान रखें, स्टेन लगाते जाएं और साथ ही साथ साफ करते जाएं, किसी तरह का स्टेन एक्स्ट्रा उस पे चौखट के ऊपर न छोड़े, पूरा एकदम फ्रेश ही रखें, एक बराबर माल लगाएं ताकि कहीं दिक्कत ना आए, कहीं कम ज्यादा ना दिखाई दे फाइनल होने के बाद, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो इस तरह से इसको बराबर से बढ़िया से पूरी तरह से साफ करते जाना और लगाते जाना है, तो आपका स्टेन कहीं भी कम ज्यादा नहीं होगा। यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एक साथ में दूसरा बंदा ले लें, ताकि आप एक बंदा लगाते जाए और एक बंदा साफ करता जाए तो किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और स्टेन लग जाने के बाद उसको सूखने के लिए छोड़ दे, कम से कम 15 से 20 मिनट उसको सूखने दें और तब तक आप माल तैयार कर लें। तो ये सिरका पीयू का मैट है, तो ये मैट हमने डाल लिया, एक डब्बा डाल लिया। आप दूसरा डब्बा निकालेंगे तो ये 1/50% का रेशियो होता है, यानी 2 डब्बा यदि आप माल ले रहे हैं तो इसमें 1 डब्बा आपको हार्डनर ऐड करना है। तो ये देखिए, ये हमारा पीयू का हार्डनर है, ये 7.5 लीटर का पैक है, इसमें 5 लीटर आपको पीयू मिल जाता है और इसमें 2.5 लीटर आपको हार्डनर मिलता है। तो यानी आप 1 लीटर माल डाल रहे हैं तो उसमें आप 500 ग्राम हार्डनर डालेंगे, और जितना हमने हार्डनर लिया उतना ही थिनर डालेंगे, क्योंकि हमने खड़ी चौखट पे इसको अप्लाई करना है, तो इसलिए इसमें थिनर आप ज्यादा ना डालें, थिनर ज्यादा डल जाएगा माल पतला हो जाएगा तो माल लटकने का खतरा हो जाता है, तो इसलिए आप थिनर इसमें जरूरत भरी रखें और इसको लकड़ी द्वारा अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको गन में डाल लेना है और कंप्रेसर अपना चालू कर देना है। 50 पॉइंट कंप्रेसर का प्रेशर होने के बाद आपको चौखट पे सीधे इसको अप्लाई कर देना है। तो ये चौखट पे अप्लाई करना है 2 कोट। तो चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यदि आपको ऊपर चौखट ज्यादा हाइट नहीं मिल रही तो आपको उस जगह डब्बा रख लेना, डब्बे के ऊपर खड़े होकर पहले आपको ऊपर वाली जो आड़ी चौखट होती है उसमें माल डाल देना है। पहले उसमें आड़ा ही डलेगा माल, उसमें खड़ा नहीं डालना, उसमें आड़ा माल ऐसे डाल दे बराबर से, ज्यादा माल ना डाले ताकि लटकने ना पाए। आप देख के एकदम परफेक्ट माल डालें, यानी एक ही स्प्रे चलाएं बराबर से। ऊपर डालने के बाद आपको साइड में जब माल डालेंगे तो ये खड़ा डलेगा, ये आड़े में नहीं डलेगा, इसको खड़े में ही डालें, क्योंकि पहले मोल्डिंग होती है, साथ में ये टेपर में चौखट होती है, तो इसलिए इसमें खड़े में डालें बराबर से माल, पूरे चौखट में एक बराबर माल डालें, कहीं कम ज्यादा ना होने पाए। ये देखिए, ऐसे बराबर से इसमें पूरी तरह से इसको माल डाल दें। तो ये पहला स्प्रे है, ऐसे ही करके आपको कम से कम 2 बार स्प्रे चलाना है, 2 बार माल डालेंगे तभी इसमें पूरी तरह से बराबर माल होगा। तो देखिए, पहला स्प्रे है, जब पहला कंप्लीट हो जाए तो माल गन में और डाल दें, माल गन में कम ना पड़े, ताकि जब ऊपर माल डालते हैं माल गन में कम हो जाएगा तो आपका स्प्रे नहीं कर पाएगी गन। ये देखिए, फिर दूसरा जब स्प्रे चलाएं तो फिर उसी स्पीड में, उसी तरह से चलाएं, स्पीड में कम ज्यादा माल ना करें, एक बराबर से गन चलाएं, माल बराबर से डाल दे, पूरी तरह से एकदम बराबर फैल जाए। तो
तो ये देखिए आड़ाई डाल दे ऊपर में, उसी तरह आड़ा डाले और साइडों में खड़ा माल इसको डालना अप्लाई करना है। ये देखिए ऐसे ही इसमें खड़ा ही डाल देना है, अब बराबर से माल डालना है। पताम जो होती है कहीं भी कम ज्यादा न रहने पाए, मोल्डिंग पताम एक बराबर स्प्रे आप चलाते जाएं, बराबर से गन का फुहारा एकदम सेट रखें ताकि माल जहां डाले वहीं पे पड़े, इधर उधर माल न जाए। कई बार गन का फुहारा टेढ़ा मेढ़ा होता है, इधर उधर जाता, तो ऐसा बिल्कुल भी ना होने दे, एकदम परफेक्ट रखें और सीधा माल उसमें चौखट पे अप्लाई कर दे। तो इसी तरह तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चौखट में टॉप कोट का अप्लाई कैसे करना है आपको समझ आ गया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये देखिए ऐसी चौखट आपकी आएगी कंप्लीट होने के बाद, माल बराबर से डालने के बाद।